इसलिए सवाल यह नहीं कि क्या आप सही काम करना चाहते हैं या आप नैतिक चाहते हैं या आप एक अच्छा जीवन चाहते हैं, पर यह है कि क्या आप परमेश्वर को चाहते हैं। मुझे नफरत है इस तरह का प्रचार करने से जिसमें ऐसा बोला जाए, आप जानते हैं आपको बहुत अच्छा अद्भुत जीवन मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छा घर मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी और आपको एक बहुत ही खूबसूरत बीवी मिलेगी, आपके इतने बच्चे होंगे और आपके पास 3 गाड़ियां होंगी और आप उपनगरों में बसेंगे, आपकी नौकरी अच्छी होगी, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा, मानो हर एक चीज अपने क्षेत्र में पूर्ण होगी। आपके जीवन में एक कमी है, वो यीशु की है। यह कहना अधिक उचित होगा, श्रीमान आपका जीवन कुछ भी नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है यीशु के बिना। यीशु कोई ऊपरी या बाहरी वस्तु नहीं है कि कोई भी अपने जीवन पर रखता है, जैसे आइसक्रीम के ऊपर चेरी रखी जाती। आपके पास यीशु है या यीशु के पास आप हो या आप बंजर और बर्बाद और खोए हुए हो।